हेलो दोस्तों, मैं मोहित तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन मिस्टेक के बारे में जो लोग अक्सर करते हैं नींबू पानी या लेमन वाटर बनाते टाइम। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लेमन वाटर को और इफेक्टिव बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, लेमन वाटर को अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लिया जा रहा है, इसके बहुत से फायदे हैं। आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, आपके लीवर के लिए हेल्दी है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी बिकॉज लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। तो ये तो कुछ हो गए फायदे। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी कॉमन गलती हमसे हो जाती है जब भी हम नींबू पानी बनाते हैं। तो दोस्तों, हम करते क्या हैं, नींबू को स्क्वीज करते हैं, लेमन को स्क्वीज करते हैं, उसका छिलके को फेंक देते हैं। अगली बार से आपको ये गलती नहीं करनी है। जो छिलका होता है उसका, जो पील पार्ट होता है, आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू इट्स इनर पार्ट। तो अगली बार करना क्या है, उस छिलके को भी यूज़ में लेना है। अब कैसे लेंगे, आपको पहले स्क्वीज कर लेना है लेमन को एक कप के अंदर, उसके बाद में जो स्क्वीज हुआ हुआ लेमन है उसके स्लाइसेस कर लेने हैं और 3 से 4 मिनट आपको पानी के अंदर उसको बॉईल करना है। देन थोड़ा निवाया होने का वेट करना है। देन आपको उसके अंदर ऐड करना है जो आपने पहले स्क्वीज कर रखा था, देन ड्रिंक करना है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। अगर आपको कोल्ड और कफ भी है साथ में तो आप साथ में 1 स्पून हनी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपको हनी को बॉयल नहीं करना है, थोड़ा निवाया पानी हो जाए तभी आपको हनी को ऐड करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।